नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई हर खबर हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी यह खबर है LJP लोक जनशक्ति पार्टी के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह। पिछले दिनों वह कहते हुए नजर आए थे कि हमारी पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उन्होंने सीट भी जुड़वा दी और यह भी कहा कि NDA में जब हमें परेशान किया जाएगा, बिल्ली का गर्दन दबाया जाएगा, तो वहाँ पर हम अपने रूप दिखाने में कामयाब रहेंगे। इसी दौरान सूरजभान सिंह ने, पूर्व सांसद रहे हैं, मोकामा से निर्दलीय विधायक भी जीते थे और कभी नीतीश कुमार के पुरजोर समर्थक भी रहे, मगर अब परिस्थितियां ऐसी बदल चुकी है कि अपनी पार्टी के रुख के हिसाब से चलना है। तो उसके बाद सूरजभान सिंह का ऐसा बयान आना, NDA में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि जो BJP और JDU की सीट है, यानी कि 70 और 123 सीटों के जो उन लोगों के जीते हुए कैंडिडेट हैं, उस पर हमारा दावा नहीं होगा, मगर 120 सीट, यानी कि कुल मिलाकर 120 और 123 सीटें जो बची, उसमें हम 20 सीटें अपने मन मुताबिक लेंगे और 20 सीटें B और C ग्रेड का वह NDA के बड़े दलों के ऊपर वह छोड़ते हुए नजर आए। उनका B और C ग्रेड का सीट इसलिए कहना था क्योंकि उन सीटों पर उनका कहना है कि आधी सीटें हम अपने मन मुताबिक लेंगे और आधी सीटें जो वह दे देंगे हम उस पर लड़ लेंगे। सूरजभान सिंह का वैसे मोकामा से लेकर शुरुआत हुई थी राजनीति में, बाहुबली नेता के रूप में जाने गए और उसके बाद वह बलिया से सांसद भी रहे और अपनी लोक जनशक्ति पार्टी में प्रमुखता भी दिखाते रहे और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान से उनकी पार्टी का एक गठजोड़ है और इस प्रकार जातीय समीकरण भी एक तय करते हैं। सूरजभान सिंह बहुत बड़े नाम हैं बिहार के और बाहुबली नेता के रूप में भी वह देश भर में जाने जाते हैं, तो यह समझा जा सकता है। और पार्टी में भी उनका एक इतना बड़ा कद है कि कभी वह अपनी पत्नी को सांसद बना देते हैं, कभी वह अपने भाई को सांसद बना देते हैं। नवादा से अभी सांसद हैं उनके भाई चंदन कुमार और यहीं से उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह उनकी कोई भी लोक जनशक्ति पार्टी में सीटें कहीं भी कोई भी लड़े, मगर उनका भी एक सीट लोकसभा के लिए तय होता है। चाहे लोक जनशक्ति पार्टी को चाहे कितनी भी कम सीटें मिले, मगर एक लोकसभा सीटें सूरजभान सिंह के लिए तय रहता है। और उनका ऐसा बयान आना, यह भी एक शंका का संदेश है कि कहीं NDA में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। वैसे चिराग पासवान अपना रुख दिखा चुके हैं और अब बड़े नेताओं से कहवाया जा रहा है। क्या यह भी खबर तो यह भी सुनने में आ रहा है कि सूरजभान सिंह की इच्छा है कि वह नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़े उनकी पार्टी, मगर लोक जनशक्ति पार्टी का रुख यानी चिराग पासवान पार्टी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और रामविलास पासवान से जब पूछा जाता है तो वह भी चिराग पासवान की ओर इशारा कर देते हैं। तो सूरजभान सिंह का ऐसा बयान आना, यह भी एक अंदेशा लगाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी कहीं दूसरे पाले की ओर से चुनाव न लड़े। और भी जैसे जैसे और करीब आएगा और NDA में यह भी बातें चल रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी को 25 से 30 सीटें दी जाएगी, मगर 40 से 36 सीटों तक दावा LJP का, यह कितना सही है। वैसे सूरजभान सिंह का ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान दे करके एक राजनीतिक माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की नैया को कहीं ना कहीं एक प्रकार से व्यवधान पैदा करने की ओर से देखा जा रहा है। नीतीश कुमार वैसे भी अपने रुख के लिए जाने जाते हैं और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर भी इशारा करके वहां से भी बयान दिलवाया जा चुका है। नीतीश कुमार मांझी को ला करके एक नया गेम खेल चुके हैं और चिराग पासवान के ऊपर दबाव बनाया जा चुका है, मगर चिराग पासवान अपने भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं देखते हुए अब देखना है कि क्या हो पाता है। सूरजभान सिंह के ऐसे बयान के बाद लोक जनशक्ति पार्टी का रुख भी साफ हो गया है और अब देखना है कि यहां पर क्या हो पाता है। वैसे लोक जनशक्ति पार्टी का कहना है कि हमारा ये पूर्ण दावा नहीं है सूरजभान सिंह के बयान के बाद, मगर उनका पार्टी का रुख कहीं ना कहीं वही है। वैसे बता दें, सूरजभान सिंह कभी निर्दलीय विधायक का समर्थन लेकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कभी दावा किया करते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कसीदे गढ़ा करते थे और नीतीश कुमार के भी। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सूरजभान सिंह को पार्टी हित के लिए ऐसी बातें बुलवाया जा रहा हो। तो इन तमाम खबरों में हम बने रहेंगे, इन तमाम खबरें सुनाते रहेंगे, मगर उससे पहले आप झकास भारत चैनल को आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, ट्विटर पर भी जाइए और इंस्टाग्राम पर भी जाइए। तमाम खबरों के साथ हम बने रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।